चाइनीज सामान और पाकिस्तान दोनों पर भरोसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये दोनों ही भरोसे शब्द के साथ नहीं चल सकते। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि एक हवा के झोंके से चीन का ग्लास ब्रिज टूट गया, जिसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे थे और इस ब्रिज के ऊपर एक शख्स भी फंस गया था। ग्लास ब्रिज के साथ साथ चीनी सामानों पर भी लोगों का भरोसा टूटते हुए नजर आ रहा है। पर रुकिए, अब जो खबर आई है वो तो और ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल अब की बार तो एक बिल्डिंग ही डोलने लग गई। दरअसल चीन के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स में से एक बिल्डिंग पूरी तरह हिलने लग गई, जिसे देखते हुए उसे तुरंत खाली करा दिया गया। बिल्डिंग के हिलने से शेंजेन शहर में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई और खरीदार इधर से उधर भागते हुए दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक करीब 300 मीटर यानी कि 980 फीट ऊंची SEG प्लाजा दोपहर 1 बजे के आसपास हिलने लग गई। इसके कारण बिल्डिंग के अंदर से लोगों को फटाफट बाहर निकाला गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 2:40 पर बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बता दें कि इस बिल्डिंग का निर्माण 2000 में पूरा हुआ था और यहां प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और बहुत सारे ऑफिस हैं। शेंजेन की गिनती चीन के तेजी से बढ़ने वाले शहरों में की जाती है और शहर के बीच हिलती हुई बिल्डिंग ने अब सबकी धड़कनें बढ़ा दी है। वहीं इमरजेंसी मैनेजमेंट अधिकारी बिल्डिंग के हिलने के पीछे का कारण पता लगाने में लगे हुए हैं। एक बयान में कहा गया है कि आसपास के शहरों में भूकंप के बारे में भी पता किया जा रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात तो ये है कि शेंजेन में मंगलवार को कोई भूकंप ही नहीं आया। विभिन्न विभागों से बिल्डिंग के हिलने के कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है। इस बारे में तुरंत जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकती है। करीब 1.25 करोड़ के शहर के बीचों बीच स्थित इस खतरनाक बिल्डिंग के बारे में प्रशासन को अब आगे क्या करना है ये भी सोचने वाली बात है। पर इससे जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में इस स्काई स्क्रेपर को पूरी तरह हिलते हुए और लोगों की बदहवासी को साफ देखा जा सकता है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस वीडियो ने लोगों के दिल में खौफ जरूर पैदा कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।